शादी में बहुत जल्दी कर रहे हैं, कह रहे हैं महीने के अंदर। आप खुद मुझे बताएं महीने में कैसे प्रेपरेशन होगी सारी? हो जाएगी कहीं ना कहीं से। तुम्हें भारत बाजारों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से बात कर लेंगे, वो सब कुछ कर लेंगे। आपको पता है आजकल इवेंट मैनेजर्स कितना लेते हैं? उनका बिल लाखों में जाता है। कांट अफोर्ड इट। वैसे ये शादी में टोटल एटलीस्ट 65 to 70 lakhs तो लग ही जाएंगे। इसे करेंगे? लेकिन फिक्र ना करो, कुछ सेविंग्स तो है मेरे पास, बेटी की शादी के लिए मैंने जमा कर रखे थे, और अगर कम पड़ेंगे तो लाहौर वाला अपार्टमेंट भेज दूंगा, है ना? अपनी बेटी की शादी में किसी किस्म की कमी नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। भाई शादी की तकरीब बहुत धूमधाम से होनी चाहिए, लोगों को बरसों तक याद रहे कि किसकी शादी थी। ये वलीमा और मेहंदी की तकरीब बहुत जबरदस्त जगह में होनी चाहिए। हाँ हाँ इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। मैं सोच रही थी कि टाइम कम है, पता नहीं हमें किसी अच्छी जगह बुकिंग मिल सकेगी कि नहीं। भाई मेरा मशवरा अगर तुम लोग मानो ना तो ये दोनों तकरीब तुम फार्म हाउस में रख लो। फार्म हाउस बहुत बड़ा है, मेरा ख्याल है 5 स्टार से तो बहुत बड़ा है। ये तो आप सही कह रहे हैं, प्लान तो अच्छा है, लेकिन मैं सोच रही थी कि वी कैन डू समथिंग डिफरेंट, कुछ ऐसा जो लोगों को याद रहे। हाँ ठीक है, डू व्हाटएवर यू वांट टू। आपको याद है सिंगापुर गए थे हम उस शादी के लिए? व्हाट अ ब्यूटीफुल वेडिंग, और वो रिजॉर्ट, इट वाज ब्यूटीफुल। अरे हाँ, क्या जबरदस्त तकरीब थी यार, उसके तस्वीरें और वीडियोस ने तो सोशल मीडिया में धूम मचा दी थी। तो हम डेस्टिनेशन वेडिंग भी तो प्लान कर सकते हैं। दैट्स अ रियली गुड आईडिया मॉम। मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगी एंड वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन। मैं भी इनविटेशन लिस्ट बनाती हूं। चलो तुम तो शुरू हो गई। शाजिर व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक बहुत जबरदस्त आईडिया है, बट जैसे आप लोग खुश, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तुम ये देख लो कि तुमने अपनी बैचलर पार्टी कहाँ करी। मेरा तो सब कुछ हो गया, बस ताबिंदा को कॉल करके डबल चेक करना है कि बारात पे वो 400 लोग बुला रहे हैं या 500, और मेरे सारे रिलेटिव्स तो बाहर रहते हैं तो उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। मैंने बुकिंग का पता किया था, 5 स्टार में तो कहीं नहीं मिल रही, अब देखता हूँ या 4 स्टार में कहीं मिल जाए। फार्म हाउस बेटर आइडिया, 4 स्टार को छोड़े, फार्म हाउस में तो पूल। बस मैं चाहती हूँ कि अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी हो, कोई कमी ना रह जाए, कोई भी बदमजगी ना हो जाए बाद में। वो लोग तो डेफिनेटली अपने बेटे का वलीमा 5 स्टार में करेंगे। अरे भाई हम उनका मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं, जद्दी पुश्ती रईस हैं वो लोग। मामा बाबा ये देखें, आज के फैशन मैगजीन में हमारी एंगेजमेंट की पिक्चर्स छपी है। वाओ यस, ये देखें। शाल्लाह हाय, ये खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी। और बेटी किसकी हो? फ्रंट पेज पे भी आई है, देखें। ओ वाओ, लेकिन ये मैगजीन में दी किसने? वो शाजर बता रहा था कि उसकी अम्मी के काफी कॉन्टेक्ट्स हैं मीडिया में और न्यूज में, तो जैसी कोई बर्थडे पार्टी भी होती है ना तो पिक्चर्स इधर उधर आ जाती है। बर्थडे क्या, चिंगते होंगे तब भी तस्वीरें भेज देते होंगे मैगजीन्स में। जब इतने पैसे हो ना तो समझ नहीं आता करना क्या है। मुझे तो लगता है कि ये शो ऑफ और खोचापन जो है ना, ये लोग भूल जाते हैं कि नजर लग जाती है। मामा दुनिया कहाँ पहुँच गई और आप लोग क्या बातें लेके बैठे हैं? फोटो ना ये वाली कितनी अच्छी है, फायरवर्क्स, पटाखे। और कोई चीज रह गई तो वो भी बताओ। अरे भाई तुम्हारा तो एहसान होगा उमर पर, उसकी बेटी की तो लॉटरी निकल आई है, कितने बड़े घर में उसकी शादी हो रही है। शाजर से उसकी शादी तो जरूर हो रही है, लेकिन इस घर में उसे बहू का रुतबा कभी नहीं मिलेगा।